जी पाकिस्तान में तो बड़ा टैलेंट है लेकिन उन्हें बस मौका नहीं मिलता पिछहत्तर साल से तो हम टैलेंट को ढूंढ ही रहे हैं चलिए बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पज़ है कि इंडिया का एक तेरह साल का बच्चा आप यकीन नहीं करेंगे फिफ्टी कंपनीज का सीईओ है कैसा देखती हैं आप नहीं अच्छी इम्प्रूवमेंट है उनकी गवर्नमेंट को उनकी पूरी स्टेट को इस चीज़ का क्रेडिट देना होगा लेकिन यहाँ भी कमी नहीं है टैलेंट की यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है मैडम मतलब एक एक है बोलते हैं कि वहाँ से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं पाकिस्तानी ये तो कह देते हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट है तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी देखकर नजर नहीं आता पाकिस्तान की डेवलपमेंट देखकर नजर नहीं आता वो टैलेंट ज्यादा किधर है तो वो सवाल करते हैं इस सवाल का आप मुझे लगता है कि बेटर जवाब दे पाएंगे मतलब रिपीट करिएगा सवाल अपना स्पेसिफिक वर्ड्स में मैंने कहा कि वहाँ से जो लोग बहुत सारे लोग ये कमिट करते हैं मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है तो वो टैलेंट नजर नहीं आता आपकी इकोनॉमी देख कर नहीं नजर आता आपकी डेवलपमेंट देख कर नजर नहीं आता तो इसको कैसे जवाब देंगे पहली बात तो उनकी जो है आबादी जो उनकी पॉपुलेशन है वो नंबर वन फैक्टर है और दूसरी जो है वो जो रखते हैं ना अपनी बजट एजुकेशन पे ज्यादा देते हैं बनस्बत हमारे उनकी डिफेंस बजट बहुत कम है उनकी एजुकेशन बजट और ज्यादा है हमारे तो वो बेस से ही बच्चे को उठाते हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं इस वजह से वो आगे है उनका नहीं मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करता बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और यहाँ पर कोई बच्चों को उठाते नहीं है उनको सपोर्ट नहीं करता ऐसा नहीं होता है सबसे बड़ी जो बात है ना वो है यहाँ के लोग यहाँ का जो समाज है यहाँ का जो परिवेश है जो इन्वायरमेंट है यहां पर बच्चा बच्चा उनके माँ बाप मेहनत करते हैं कि जी मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े वो एक रिक्शे वाला का भी बच्चा होगा ना तो रिक्शे वाले की भी कोशिश यही होती है कि उसका बच्चा बेहतर स्कूल में जाकर पढ़े ये मत कहिए यह नहीं होता कि सरकार की तरफ से उठा लिया जाता हा, है हाँ ये बच्चे अच्छे हैं ये बच्चे अच्छे हैं सरकार की तरफ से योजनाएं हैं ऐसे स्कूल्स हैं नेतरहाट है नवोदय विद्यालय है सेंट्रल स्कूल है बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसके लिए यहां के लोग जिम्मेदार हैं लोगों में यह भूख है कि जी मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को और ज्यादा एम्पावरमेंट देनी है और ज्यादा एजुकेट करना है तो ये यह यहाँ के लोगों के डीएनए में है वो अपने बच्चों को अपने आप से बेहतर बनाना चाहते हैं मैं भी मैं अगर अपने ऊपर एग्जांपल लू तो मैं जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ा मैं वैसे करा मैं अपने आप अगली पीढ़ी को मैं अच्छी और अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं तो आज बच्चे पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं आप मेरे बात को समझिए और ये ऐसा मैं ही नहीं करता यहां पे सारे सारी फैमिली ही करेंगे सारी फैमिली यही करती हैं कि वो अपने से बेहतर उनको अपॉर्चुनिटीज दिलवाने की कोशिश करती हैं और ये सारी चीजें तभी होंगी अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आप अपने बच्चे को अच्छा आ, आ, शिक्षा देंगे अच्छी एजुकेशन अच्छी देंगे तो इसीलिए हमारे यहाँ हर किसी का चाहे वो रिक्शे चलाने वाला हो या मुकेश अंबानी हो हर जगह यही होगा कि कम से कम से बच्चे को शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है 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 एजुकेशन वो बेस्ट दिलवाई जाए ये फर्क है, ये ये फर्क फर्क सोच का फर्क है, ये विजन का फर्क है इस चीज में सही तो इन सब के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एक लेडी फाइटर बनी थी अब दूसरे नंबर पर एक मुस्लिम लड़की है जिसको फाइटर जेट का पायलट बनाया दिया गया इंडिया के अंदर क्या समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ओशद होता है मुसलमानों के ऊपर तो ये लड़की को पायलट बना दिया उन्होंने दूसरे नंबर पर दूसरी बात करूंगा मैं भी तो एक देखते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानती होंगी आप हिस्ट्री आप पढ़ी आपने तो उनको इंडिया का जो क्या प्रेजिडेंट बनाया गया इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा आ जाते हैं ये चीज़ हमें बहुत ज्यादा पीछे कर देती है हमारी एजुकेशन में हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये ये चीज़ दिल्कुल खास दिल्कुल। करके मतलब मतलब कि आप कह रहे कि हर चीज़ को अतदाल में रखना चाहिए हमारे इस्लाम तो ये कहता है कि पढ़ो तालीम हमारा तो कुरान मजीद से पहला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया वो इकरा का लफज था कि पढ़ो तो इस चीज़ से हम पीछे क्यों हटें अगर हम दूसरी कंट्रीज के बात करते हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं उनने एजुकेशन को फर्स्ट प्रियोरिटी रखा क्या हमने रखा है एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी? बिल्कुल नहीं रखा है तो, हम क्यों नहीं 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 तो किसी चीज़ को भी प्रियोरिटी नहीं रखा है हमने सिर्फ करप्शन को ही प्रियोरिटी रखा है हमारे जो स्टेट है उसका सिवाय करप्शन के और कुछ भी नहीं है कोई उनका मोटो ही नहीं है वो एक दूसरे को जोड़ने में तोड़ने में इसी चीज में लगे हुए हैं कोई डेवलपमेंट नहीं है कोई प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करते कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस का उन्होंने अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं हर चीज में बात करो पड़ोसी मुल्क इंडिया की तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया अगर देखो तो आप यकीन करें पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपका पड़ोसी मुल्क जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं वो डेवलपमेंट के कहाँ कौन से सतह पर चला गया इंडिया आप डिवेलप कंट्रीज के अंदर आता है तो हमें देखकर थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए आपके नहीं बिल्कुल नंबर वन जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है वो उस हिसाब से उसको देखते हैं अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या क्या करेंगे हम तो ये चीज तो होती है ना कि पहले अवेयर करो दुश्मन है तो किस बेसिस पे है वो हमें एज ए दुश्मन नहीं लेते हैं वो हम हमसे तभी आगे हैं वो कौन जो है ताल्लुकात तो नहीं? नहीं, नहीं कोई करने ही नहीं देता है कोई भी जो आए एक अगर वहा से कदम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं ऐसे ही चलता रहता है वो आगे आते हैं हम पीछे चले जाते हैं ना हम उनको आगे साथ नहीं देते हम उनका वो है उन, उनका माइंड से बहुत अच्छी बात कही है आपने मैडम बहुत अच्छी बात कही है मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं और पाकिस्तान की सरजमी पर खड़ी होकर आपने ऐसी बातें की हैं मैं बहुत रेयर सुनता हूं पाकिस्तानियों के मुंह से जबान से ऐसी बातें बहुत रेयर अभी हाल ही में एक और वीडियो में सुना था मैंने बहुत रेयर सुनता हूं मैं। तो इस चीज के लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा एज इंडियन ए इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको अब अगर बा, मैं बात करू फ्रीडम एक लड़की होने के से, कितनी फ्रीडम पाकिस्तान में रहते हुए आपको मिलती है क्या पाकिस्तान की लड़की को ज्यादा फ्रीडम है या इंडिया की लड़की को ज्यादा फ्रीडम है दोनों को कंपैरिजन करें तो नहीं इंडिया की लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम है किस चीज़ के हवाले से आप कह रही हैं एजुकेशन के हवाले से है वहाँ पे जो है अवेयरनेस हर चीज़ में ज़्यादा है वहाँ पे जो है ख़ास करके ब्रांड्स बाहर से जो है वो गवर्नमेंट ने उनके लिए रास्ता दिया हुआ है कि वहाँ की लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं वहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं बाहर के लोग इंडिया आके करते हैं तो वो डाइवर्सिफ़ाई है वहाँ पर यहाँ पर कोई भी आपको इंटरनेशनल ब्रांड नज़र नहीं आएगी हम क्या करते हैं अपने में ही लगे रहते हैं वहाँ क्या होता है एक्सचेंज ऑफ थाट्स होते हैं एक्सचेंजेस ऑफ ट्रेड्स होती हैं तो ये चीज़ जो वो उनको ज्यादा आगे वाले अहम किरदार रह चुका है डेवलपमेंट के, के अंदर तो आप देखते हैं कि जब उस खानदान का एक टाइम अरूज होता था तो उन्होंने मुल्क के लिए भी बहुत अच्छे काम किए थे अपने टाइम के अंदर अब जब आप देखते हैं कि मुल्क के हालात को तो आप एज अ फैमिली लीडर फैमिली के होते हुए क्या कैसा लगता है मुल्क के ये हालात देखते हुए नहीं उन्होंने तो काम किया ठीक है हर किसी में कोई ना कोई आ, वो होती है कि वो कहीं पे थोड़ा हो जाते हैं लेकिन उन्होंने जो काम किया उस टाइम में वो तो अप्रीशियटेबल था तो उस हिसाब से आज के दौर में तो कोई भी काम नहीं हो रहा उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं उन्होंने बहुत काम किया है जो आप, पहले हुआ करते थे आप अपना फ्यूचर क्या देख रही है यहाँ पे नहीं देख रहे हैं रहेंगे तो यहीं पे कहाँ जाएंगे

करते क्या <laughs> <laughs> थी थी जबरदस्त हो गया सर बेसिकली बात करने का पर्पज है कि इंडिया का एक छोटा सा बच्चा जो तेरह साल का है वो इंडिया की फिफ्टी सिक्स कंपनी का मालिक बन गया सर क्या कहना चाहेंगे मैं क्या कह सकता हूँ इसमें कितनी बड़ी बात है बात तो बड़ी है तेरह साल का बच्चा फिफ्टी सिक्स कंपनी का, का मालिक जी सर इधर पाकिस्तान में पूरा एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो कंपनी का मालिक होता वो तेरह साल का बच्चा जी कितनी बड़ी बात बात है है सर क्या वजुआत है कि इंडिया के अंदर एक बच्ची है जो कि फर 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 इंग्लिश बोलती है आठ एक्सेंट के ऊपर बात कर सकती है इंग्लिश के इतना तरक्की क्यों करते हैं वहाँ की एजुकेशन है ना यहाँ पे आपको पता ही है जो स्कूल्स का हाल है प्राइवेट स्कूल में फिर भी कुछ बेहतर है और सरकारी स्कूल में आपको पता ही है तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे मगर यहाँ पे आपके सामने ही है जो भी है बिल्कुल सही जी हालात तो खराब है ये बच्चा खाने की कोशिश कर रहा है इसे आप इसे खा पाओगे ये दिस इज़ नॉट एप्पल सर तो बेसिकली बात करने का पर्पज़ ये कि हमारी इकोनॉमी के अगर हम हालात देखें तो बहुत डाउनफॉल पर जा रहे हैं इंडिया बहुत ज्यादा अगर इकॉनमी की बात करें तो फिलवर्ड की फिफ्थ लार्जस्ट इकॉनमी बन गया अब फोर्थ की तैयारी कर रहा है वो चौथी बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत क्या पहली दूसरी बन सकता है पहली दूसरी तो नहीं बन सकता सर चौथी बन गया वो एक मुल्क तो पहली दूसरी बनने में कौन सी मुश्किल बात है नहीं हमारे भी अगर यहाँ पे हुकूमत अगर पे इंडिया की बात करो क्या बन सकता है हम क्यों नहीं बन सकते हम भी बन सकते हैं क्यों नहीं बन सकते बन, बन सके अभी हमारे फॉरेन रिजर्व देखें आप तीन बिलियन डॉलर हमें सऊदी दिया रहे तो तीन बिलियन डॉलर इंडिया चाइना से लेके हमने अभी अपने थोड़ी इकोनॉमी को स्टेबल किया थोड़ा सा हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं पड़े हुए हमारे पास रिजर्व नहीं पड़े हुए कैसे सर्वाइव करेंगे हम ये आपके सामने ही है हुकूमत के जो हालात चल रहे हैं हर सियासतदान को अपनी अपनी पड़ी हुई है आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा तो यही रीज़न है अगर हमारी हुकूमत ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है बिल्कुल सही जी तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान और इंडिया के कैसे देख रहे हैं? रिलेशन तो जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा रिलेशन कैसे ठीक हो सकते हैं जब तक कश्मीर का मसला हल होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ठीक होंगे मैं क्या मैसेज बस ठीक है थैंक यू बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच जी तो मेरे साथ कुछ फैमिली मौजूद है उनकी तरफ चलते जी तो का मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है तो उनकी तरफ चलते हैं उनसे बात करते हैं असल वैलम कैसे है शुक्र है अल्लाह का तरह अलहमदिल्ला सर मैं भी ठीक नाम आपका सर मुशरफ अली मैडम नाम आपका फरजाना मुशरफ जबरदस्त हो गया सर बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये कि इंडिया का एक तेरह साल का बच्चा जो कि फिफ्टी सिक्स कंपनी का मालिक है सी ओ ही है इसको क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ी अचीवमेंट इतने छोटे से बच्चे तेरह साल का बच्चा छप्पन कंपनियों का मालिक है अब ये तो अल्लाह की तरफ से है ना जनाब इसमें बंदा क्या कर सकता उसकी है उसकी मेहनत है उसकी अल्लाह की तरफ से जो भी उसको मिला है उसकी अपनी मेहनत है उसकी अपनी काबिलियत है उसकी अपनी इंटेलिजेंस है मैं फिर कहूंगा नहीं है वो अपने दम पर बना है ऐसे तो नेमत सबको दे दो सब बन जाएंगे अल्लाह <laughs> तो, तो, तो। और उसको तरक्की दे भाई इंडिया के इंडिया तरक्की करते क्यों जा रहा भाई हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे तो हम क्यों नहीं तरक्की करेंगे हम तरक्की जब करें ना जब यहाँ महंगाई कम हो तो, तो, तो हर तो 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 आपको हमारे हुक्मरान हमें करने देंगे तो हम तरक्की करेंगे ना इंडिया के हुक्मरान तो अच्छे हैं अल्लाह बेहतर जाने इंडिया जाएंगे तो बताएंगे वो तो तरक्की तो कर रहे हैं जाने के बगैर आपको पता चल जाता गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा वो तरक्की कर रहे हैं देखते ही नहीं इंडिया का नहीं नहीं वो तरक्की कर रहे हैं ना आपने देखे ना देखे हम आंखें बंद भी कर लेंगे वो तरक्की कर रहे हैं कर रहे हैं बस क्या नहीं तो हमने तो ये बताया जब तक महंगाई नहीं कम होगी जब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती सर महंगाई कौन कम करेगा जो भी नया हुक्मरान आए तो वही कर सकता है एक कमाने वाला हो एक किराए पे रहते हो इतने तो बिल आ जाते हैं फिर घर का रेंट देना कि बिल देना फिर घर का खर्चा चलाना है तो एक आदमी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है ना बिल्कुल सही आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो छप्पन कंपनियों को सीईओ उस बच्चे की जगह आपको बना दिया जाए तो क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं है बनना ही नहीं है फिर बताएंगे हम क्या कर सकते हैं बना क्या, क्या, क्या करेंगे सारे पैसे ले हड़प लेंगे आप लोग लेंगे बस एक छोटी सी के, एक छोटा सा घर मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए छोटा इसीलिए छोटा भी नहीं मिलता बड़ा घर मांगे छोटा मिल जाएगा चलो अल्लाह में बड़ा घर दे दे इनशाला बिल्कुल है छोटा मांगते मिलता नहीं है, है अल्लाह तला के पास कौन सी चीज़ की कमी है सारे खजाने तो उसी के बेशक बेशक और जो जो हम देखे ना अब अगर बिलगे के पास भी जाएंगे मलिक रियाज का मिसाल ले ले आप मलिक रियाज के पास दो हजार के चेक लेके जाएंगे या सौ रुपए के चेक लेके जाएंगे उसे कहेंगे साइन कर दो ने कहा जा यार क्या लेके आ गया मेरे औकात के मुताबिक तो ला हम अल्लाह ताला की औकात देखे ना कितनी बड़ी है पूरी दुनिया को देता समंदर के समंदर भर दिए हम उससे मांगते थोड़ा

ऊपर वाला यू ही नहीं देता बॉस आपकी नेक नीयत होनी चाहिए दूसरे के खिलाफ जहर आपके मन में नहीं भरा होना चाहिए और दूसरे के लिए भी आप अच्छा सोचें तब जाकर ऊपर वाला सोचता है है अच्छा अच्छा चलो अच्छा बंदा है। तो पाकिस्तान के लोग सोचें कि भाई पिछहत्तर साल से क्या वो अच्छा बंदा बन रहे हैं या सिर्फ उसका ढोंग कर रहे हैं पाखंड कर रहे हैं और तभी ऊपर वाला भी नहीं दे रहा है ऊपर वाले के पास अगर सब कुछ है तो छह बिलियन डॉलर उधार के आपके पड़े हैं? फोरेक्स रिजर्व में उधार के आपके नहीं उधार के हैं कर्जा लेकर कहते हैं कि आप ढोल पीटना बंद कीजिए काम करिए और हर जगह मजहब को मत घुसाइए अगर उससे यही होना होता तो आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर एक देश होता पाकिस्तान में आज दुनिया का नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता पाकिस्तान आज दुनिया की नंबर वन इकॉनमी होती पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में डंका पीट रहे होते पाकिस्तान के लोगों में रोजगार की कमी नहीं होती पाकिस्तान के लोगों में भुखमरी नहीं होती और पाकिस्तान की बत्तीस फीसदी आबादी गरीब नहीं होती तो जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं लाएंगे ऊपर वाला भी कहता है कि बेटा ये तुम्हारी सारी धोखाधड़ी मैं समझ रहा हूं सारी तुम्हारी ये जो चाल समझ रहा हूं ये सारा जो झूठ और फरीब का जाल तुमने फैला रखा है वो भी मैं समझ रहा हूं लो भिखारी बनो वही हुआ और रही बात इंडिया की इंडियन बच्चों की तो आप टैलेंट देख लो ना मैं तो आपको बताता हूं एक स्पेस एजेंसी है पिक्सल, उनके फाउंडर हैं एक मुस्लिम और बड़ा यंग एनर्जेटिक लड़का है शायद उम्र में हो सकता है मेरे से भी छोटा हो और उसने स्पेस एजेंसी बनाई है स्पेस कंपनी अपनी प्राइवेट तो ये होता है टैलेंट जो दिखता है तो बाकी तो सब छोड़ दो हमारे यहां तो इतनी सारी स्पेस एजेंसी स्पेस कंपनीज खोल गई हैं प्राइवेट और अभी एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट भी लॉन्च हुआ है <laughs> तो ऐसा नहीं है टैलेंट है तो वो दिखता है और ये बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ती आपने कभी इंडियन को सुना है कहते हुए कि जी इंडिया में टैलेंट बहुत बड़ा है बहुत है टैलेंट हम नहीं बोलते हम करके दिखाते हैं और जिनके पास नहीं होता है उन्हें बार बार साबित करने के लिए बोलना पड़ता है कि जी बहुत टैलेंट है बहुत टैलेंट है वो तो टैलेंट कौन सी गुफा में घुसा हुआ है ये आज तक नजर नहीं आया पचहत्तर साल में तो भारत के लिए ऐसे अभी और आने तो भारत के लिए पहले करना चाहता हूं। ने ये बात की है के पाकिस्तान में कहा टैलेंट है टैलेंट नजर नहीं आ रहा तलीम के जो मैं उन्होंने बात की जो इंडिया के माँ बाप है वो भी सर जोड़ कर मेहनत करते हैं सारा दिन मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने अच्छी पोस्ट पर उसको नौकरी मिले तो पाकिस्तान के भी जो माँ बाप है वो भी दिन रात एक कर कर मेहनत कर कर वो भी चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने तो ये तो बात कोई नहीं कि हमारे यहाँ इधर काम नहीं करते ये अच्छी बात नहीं है तो जो उस इंडिया के जो बाप है उनको फैसिलिटी मिलती है उसकी हुकूमत अच्छी है उसको रोजगार भी मिलता है उसको स्कूल अच्छे मिलते हैं उसको तलीम की मैार अच्छा मिलता है इसलिए वो अच्छे बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ भी इधर जो हकूमत है वो तलीम पर कोई जोर नहीं दे रही वो करप्शन ही करप्शन किए जा रही है कोई उसका जोर नहीं है तलीम पर तो इसलिए ये कम हो गया नहीं तो एक ही जमीन है इंडिया और पाकिस्तान पहले उन्नीस सौ सैतालीस है एक ही था उसके बाद ये थोड़ा जो 1990 तक वो नब्बे की तहाई तक पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया से अच्छी थी तो ये बात तो नहीं थी कि आपके यहाँ लोग सर की बात करने का मकसद ये है कि अगर आप में टैलेंट होता तो दिखता इंडिया में टैलेंट आया तो नजर आ रहा है और उनकी तो एक बात बहुत पसंद है कि तो कि हम बोलते नहीं है हम करके कर दिखाते हैं कि हमारे कभी किसी बच्चे किसी किसी बड़े किसी भी लोग किसी भी फर्क के मुंह से सुना आपने कि हम में बहुत टैलेंट है क्योंकि उनमें हकीकत में है और यकीन करें वो बात है, सही है कि जो गरजते हैं वो बचते नहीं और पाकिस्तानी ज्यादा गरजते हैं बचते नहीं और इंडिया वाले जो है वो बोलते नहीं है वाकई में हमने इतनी वीडियोस इंडिया वालों को देखी है वो निशे टॉप करते हैं वैसे भी इंडिया के साथ मतलब कि मैं बातें इंडिया के चैनल देखते रहता हूँ मैं कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं सुना

अब 10वीं तक तो हमारे यहां कोई फेल नहीं करता लड़कों को फिर तलीम का क्या معیار है कोई उस्ताद पूछ नहीं सकता अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट को कि आप क्या कर रहे हैं पूछ नहीं सकता कोई 10वीं तक फेल नहीं हो सकता सारे पास हो गए तब ये जब से कानून आया है तलीम की شرح पाकिस्तान में हां पहले हमारे स्कूल कॉलेजेस में यह निजाम था के टीचर जो थे वो बच्चों को डांट सकते थे मतलब अगर संजंश कर सकते थे अगर वो काम करके नहीं आते अपना होमवर्क नहीं करके आते तो वो ये काम पर कर सकते थे लेकिन आजकल क्या है आजकल एक नारा बुलंद कर दिया गया है एक मारनी पर उसकी वजह से बच्चे भी थोड़े से उनको रिलैक्स हो गए हैं क्योंकि टीचर्स तो उन पर कोई करता नहीं।, नहीं है फोर्सफुल कोई भी तशद्द नहीं कर तशद तो वैसे करना भी नहीं कर। चाहिए लेकिन उनको प्यार से टीचर जो होता है।, है वो माँ बाप ही होता है वो ऐसे बच्चे को नहीं पूछता वो थोड़ा सा गुस्सा करके वो हमारे यहाँ मारते थे मारा थोड़ा तेरा साल का बच्चा है उस, वो 56 का किस तरह ये है? भी हो सकता भी है ना वो किस तरीके मेरी तो आप भी थोड़ा सा अकल से थोड़ा सा बात करे ना वो किस तरीके बनाए वो माँ बाप की कंपनी से उसको विरासत में मिली है वो मैं ये मैं बात कर करना चाहता तेरह साल का जो है लड़का वो कैसे स्ट्रगल कर सकता है वो मैं कहता हूँ विरासत में मिली होगी उसका बाप दादा मेहनत इस... करके गया होगा उसके बाद वो उसका माता हो गया हमें ये पक्का पता नहीं है कि वो स्ट्रगल करके तेरह साल में तेरह साल का बच्चा स्ट्रगल कर सके चलो कितनी वो साल से कितने शुरू कर दी दिए स्ट्रगल नहीं पहले समझ से, से ये ये, ये हो सकता है कि उसको विरासत में मिली हो किसी बाई को, को अगर किस बाई को इसका एग्जेक्ट पता हो उस बच्चे का हम, वो किस तरह बना हम ये नहीं बात कर ले इंडिया में टैलेंट नहीं है

इस ये वाकई में बड़ी अपॉर्चुन बहुत बड़ी अचीवमेंट है वाकई में अगर वो चाहे वो बाप दादा की भी हो फिर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसके पास वो चला रहा है रन कर रहा है रहा, ये सबसे बड़ी, बड़ी, बड़ी बात है ये भी आज अगर हमारे तो तेरा स बच्चों को सही तरह बात करनी नहीं आती, आती। दूसरों के साथ की बात किस तरह करनी है और ये और ये उनका वजह यह है कि वो भी अपनी तलीम पर जोर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे आज उनके आई क्यू लेवल हाई लेवल पर है और बेहतरीन स्कूल में उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं और करप्शन कम से कम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आज आगे जा, जा रहे हैं और पाकिस्तानी जो है वो बस ये क्या तरह जाते हैं, के तरह जाते हैं। हमें बहुत टैलेंट हम 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 हम... होता है वो कहकर हम दिखाते हम हैं उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता नई वीडियो में एक सुंदा टॉपिक साथ तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज